अभी हम बनाने जा रहे हैं दाल पूड़ी खीर मटर पनीर आलू गोभी का दम। दाल पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चना दाल को उबालेंगे। चना दाल को उबालने के लिए पानी में डालेंगे और नमक हल्दी डालकर उबाल लेंगे और इसे चेक कर लेंगे हुआ है कि नहीं। जब यह पक जाए तो हम इसे मैश कर लेंगे मैसर से। यदि आप चाहो तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, सिलवट्टा पर पीस सकते हैं यदि मैश नहीं करना हो तो। तो हम दाल को मैश कर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटी हुई। हरी मिर्च ऑप्शनल है, यदि आपको तीखा पसंद नहीं है तो हरी मिर्च नहीं डालें। इसके जगह आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। फिर से इसको बढ़िया से मिलाएंगे और मैश कर लेंगे एकदम अच्छे से। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा का पाउडर, भुनी हुई जीरा का पाउडर, थोड़ी सी धनिया पत्ता, यदि लहसुन पत्ता है वो भी काट के ऐड कर सकते हैं। फिर सब कुछ डालकर हम बढ़िया से मिला देंगे और ये हमारा दाल पूड़ी के लिए दाल बनकर तैयार है। आलू गोभी का दम बनाने के लिए आलू हम उबाल चुके हैं, गोभी फ्राई कर रहे हैं। और गोभी फ्राई करने से पहले हम लहसुन हरी मिर्च और प्याज को फ्राई कर चुके हैं पेस्ट बनाने के लिए, मसालों के लिए। एक साइड हम खीर बना रहे हैं और एक साइड सब्जी बन रहा है। खीर हम दूध 1 लीटर लिए हैं और 1 कप चावल डालकर उबाल रहे हैं। जब तक चावल बढ़िया से उबल पक नहीं जाता है तब तक उबालते रहेंगे। खीर उबलते समय ही हम इसमें डाल देंगे 2 इलायची बारीक कूटकर, किशमिश, नारियल, बादाम, काजू, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो, जो पसंद हो उसे आप ऐड करें। और फिर इसको हम अभी कुछ देर तक उबलने देंगे जब तक चावल अच्छे से पक नहीं जाता। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए हम पहले से ही प्याज को भून रहे हैं, 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटी हुई। सरसों तेल में थोड़ी सी जीरा का फोरन देकर भून रहे हैं। उसी के साथ हम मसाला भी ऐड कर देंगे जब प्याज अच्छे से भून जाएगा। तो मसाला हम पीसी मसाला ऐड कर रहे हैं, सारा का सारा मसाला जो है ना, धनिया, जीरा, गुलमरीच, लाल मिर्च और गरम मसाला सब कुछ पीस कर डाल रहे हैं और हल्दी पाउडर अलग से डाल रहे हैं। और ये जो हमारा पेस्ट अभी आप देख रहे हैं ना, ये वाइट ये पेस्ट है, ये लहसुन और प्याज जो भून कर हम रखे थे उसी का पेस्ट बनाए थे, तो उसे भी हम ऐड करेंगे 1-2 चम्मच। और टमाटर डालकर भूनेंगे और जो भी हम डालेंगे ना, 1-2 मिनट का ब्रेक रहेगा उसमें। जैसे प्याज भूनने के बाद मसाला ऐड करेंगे, मसाला 2 मिनट भूनेंगे, फिर उसके बाद प्याज का पेस्ट डालेंगे भुने हुए प्याज का, उसके बाद नमक। सब्जी का मसाला हम भून रहे हैं। तब तक दूसरे साइड हमारा जो खीर है वो तैयार हो चुका है और लास्ट टाइम में हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपको जितना ज़्यादा मीठा पसंद हो उतना चीनी ऐड कर सकते हैं, कम हो ज़्यादा। चीनी डालकर उबालेंगे 4-5 मिनट, हमारा खीर बनकर तैयार है। और एक साइड हमारा सब्जी भी बनकर तैयार है। अभी आप देख सकते हैं मसाला भुनने के बाद पानी ऐड करेंगे। पानी में जब 1 उबाल आ जाए तो उबली हुई आलू और फ्राई किया हुआ गोभी डाल देंगे। आलू गोभी का दम। ये हमारा मटर पनीर